तो अगर हम सब बंधु हैं, हम सब साथ में हैं, मुल्क का फैसला हमारे हाथों में है, और अगर 10% लोगों के भी दिल में ये शक है कि ईवीएम के जरिए हमारे वोट चोरी हो रहे हैं, तो आप क्यों बंद नहीं करते? क्यों हमारे दिल का शक दूर क्यों नहीं करते? इसलिए हम यहाँ जमा है। आप किसी राजनीतिक दल, आप किसी प्रशासनिक संस्था या आप कोई सरकारी संस्था के एक्शन का वेट हमें नहीं करना है। हमें अब खुद खड़ा होना पड़ेगा और इस संविधान की रूह जो है खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने संविधान को दोबारा जिंदा करके इनके सीनों पे फिर से गाड़ देना होगा कि राज यहीं से चलेगा, कहीं और से नहीं चलेगा। महिलाओं को उनकी इज्जत नहीं दे पाए हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए हैं, एक घर में बुजुर्ग बीमार पड़ जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, उसको घर गिरवी रख के अपना ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऐसा देश हमने खड़ा कर दिया है। नहीं चाहिए ऐसा देश, हमको देश चाहिए जहां पर सबको सब पूरे अधिकार मिले। जो ये प्रास्ताविका में एक एक शब्द लिखा है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, हर चीज जो इस प्रास्ताविका में लिखी हुई है, मुझे वैसा देश चाहिए। मुझे वो दिखता है आंख बंद करके, मेरे को और कुछ नहीं दिखता। संविधान से है, आपका मेरा रिश्ता समता से है, आपका मेरा रिश्ता स्वतंत्रता से है, और सबसे बड़ी बात, आपका मेरा रिश्ता बंधुता से है। भाईचारा चाहिए हमें इस देश में, एक दूसरे का तिरस्कार, द्वेष, हिंसा बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको पहचान जिस आदमी ने दी हुई है, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने, उनके प्रति हम हरदम ऋणी रहेंगे। वो उनका वाक्य हरदम ध्यान में रखिए, मैं प्रथमतः भारतीय हूं और अंतिमतः भी भारतीय ही हूं, मेरी और कोई पहचान ही नहीं है। इतना यदि हम लोगों ने ध्यान में रख दिया, मजहब धर्म धम्म सर घर की चार दीवारी में रखकर हम लोगों को काम करना है, क्योंकि ये देश का सवाल है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि इस देश के सभी बॉर्डर्स में काम करने को मेरे को मौका मिला हुआ है। मेरा जय जवान हो चुका है, अभी मेरे को जय संविधान करने की इच्छा है, यदि आप लोग साथ हो तो। और यह संविधान ही जो है जो आपको मेरे को गुलामी से बचा सकता है, नहीं तो मजहबों ने हमको तो गुलाम बना के रखा था। और आज प्रजासत्ताक के दिन, आज प्रजासत्ता के दिन हम लोग कसम खाए कि सत्ताधारी कोई भी हो, ये हो या वो हो, इनको संविधान के मार्ग से चलाने के लिए मजबूर करेंगे हम। इलेक्शन में सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, ये संविधान किसने लिखा हुआ है? वी द पीपल। किसको समर्पित किया है? द वी द पीपल। और इसलिए हम यदि एक दूसरे के हाथ में हाथ लेके एक बड़ी ताकत करके सामने आए, तो सत्ताधीश ही नहीं, यहाँ के प्रशासन को भी उसकी दखल लेनी पड़ेगी। ऐसे कैसे चार चार छह छह महीने फाइलें लटकी रहती है यहाँ? कौन नामाकुल है जो बोलता है कि इनको फाइलें दबा के रखो? क्यों नहीं न्याय मिल पाता है जल्दी? क्योंकि हम लोग एकत्र नहीं है। जिस दिन हम एक साथ ऐसे खड़े हो जाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं होगी कोई फाइल दबाने की, कोई अत्याचार करने की हिम्मत नहीं होगी। और मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे, ये शुरुआत है, ये पहला कदम है हम लोगों का।
एनआरसी के समय हम लोग एकत्र आए थे। मुझे फक्र है यहाँ हमारे दिलीप भाऊ खोड़के मराठा सेवा संघ के, उनकी इतनी महती है कि उन्होंने मोमिनपुरा में फुटबॉल ग्राउंड में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की थी और बैठने को जगह नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ यह होता है भाईचारा, यह नहीं कि जात जात में झगड़े लगाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ, आप सबसे अपील करता हूँ कि यहाँ से हमारी शुरुआत है। हमारे प्रश्न बहुत गंभीर है। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, नागपुर संतरे के लिए जाना जाता है। आपको बताते हुए अत्यंत दुख होता है मुझे कि इस साल मैंने 10 रुपये किलो संतरा बेचा है। 1980 में 10 रुपये किलो बेचा था। पिछले साल जो कपास 14,000 रुपये क्विंटल बेचा, इस साल 6,000 भी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि उससे इन्होंने इलेक्शन फंड खाए होंगे सभी ने। इसलिए मेरी अपील है कि जागो, ये संविधान हमारा है, संविधान की हर लाइन पे उंगली रखो। और ऐसे कैसे न्याय नहीं देते हम देखेंगे, वो शासन हो प्रशासन हो। भाइयों और बहनों, जय भीम, जय भारत, सलाम। आप लोगों का जोश देखते हुए आप सभी को दिल से सलाम। आज हमारा संविधान 75वें साल में जा रहा है। इसके साथ जो संविधान अलग अलग मुल्कों के बने थे, कोई 5 साल में खत्म हो गया, कोई 7 साल में खत्म हो गया। उस वक्त के जो मनुवाद चाह रहे थे वो हमेशा ये सोचते थे कि यह संविधान ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, लेकिन 75 में आ गया है यह संविधान। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमसे कहा था कि 3 शब्दों पे ध्यान दो। वो 3 शब्द थे समता, बंधुता और न्याय। आज मैंने अपने आप से पूछा कि पिछले 73 साल में हमने इस तरह की रैली नहीं निकाले थे, आज निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? और जब आप लोगों से अपील की गई कि आप आइए, तो इतनी बड़ी संख्या में सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी साथी यहाँ भाई बहन हाजिर हुए। क्यों? क्योंकि आज हमला उन 3 शब्दों पे हो रहा है। आज बंधुता पे हमला हो रहा है। आज वो चाह रहे हैं कि भाई भाई से लड़े। जब भाई भाई से लड़ाई करने की कोई कोशिश करता है तो पूरी खानदान एक होती है उनको मिलाने के लिए। वो आज हम एक हो गए संविधान के नाम पर, ताकि भाइयों में कोई झगड़ा ना हो। दूसरा हमला हमारी समता पर है। बहुत मुश्किल से हम लोग सब साथ में आए, एक दूसरे को बराबरी का समझने लगे। आज फिर प्राइवेटाइजेशन करके एक पर्टिकुलर जाति को ऊपर रख के बाकी सबको बाहर रखने की तैयारी चल रही है, ताकि फिर से अलग अलग ग्रेड्स बने, एजुकेशन में अलग अलग ग्रेड्स बने, फिर से हम जातियों में बढ़ जाएं। इसलिए जो हमारे समता पर हमला हो रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए हम सब यहां जमा है। मैं वकील हूं, मुझसे ज्यादा न्याय के बारे में और कौन जानेगा? किस तरह से न्याय हो रहा है, न्याय किसके लिए है, यह हम सब देख रहे हैं। तो न्याय पर हमला हो रहा है, सुनियोजित ढंग से हो रहा है, प्लान करके हो रहा है, इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए हम यहां जमा हुए हैं। इलेक्शन की बातें हो रही है, हमारे वकील बंधु लोग यहां बाजू में बैठे हैं ईवीएम हटाओ के लिए। मेरे भाई तरुण परमार जी उनको लीड कर रहे हैं। बाहर सुमिता कांबड़े ताई मुझे नजर आई कहीं, वो पूरी लड़ाई लड़ रही है। तो अगर हम सब बंधु हैं, हम सब साथ में हैं, मुल्क का फैसला हमारे हाथों में है, और अगर 10% लोगों के भी दिल में ये शक है कि ईवीएम के जरिए हमारे वोट चोरी हो रहे हैं, तो आप क्यों बंद नहीं करते? क्यों हमारे दिल का शक दूर क्यों नहीं करते? इसलिए हम यहां जमा है। आप सबको मुबारकबाद कि आप अपने आपस के फर्क भूल के सब इकट्ठा आए हैं। जब तक कि हम एक मुट्ठी की तरह इकट्ठा है,
हमको आजादी देने वाला, हमको इज्जत देने वाला, हमको न्याय देने वाला संविधान कोई भी खत्म नहीं कर सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आप सब की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जो संविधान के साथ छेड़छाड़ जब जब करने की कोशिश करेगा, हम लोग फिर रास्ते पर आएंगे और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दिए हुए संविधान के लिए हम अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देंगे। मेरे साथ बोलिए, जय संविधान, जय संविधान, धन्यवाद, जय भारत। 150 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद में हम लोग आजाद हुए, उसके लिए किसने किसने क्या क्या काम किए, कितने बलिदान हुए, ये याद रखने का आज दिन है। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे प्रगति हो रही है, अधोगति हो रही है, हमारे में भाईचारा बढ़ रहा है कि नफरतें फैलाई जा रही है। तो आज परिस्थिति ऐसी है कि हमको ये सोचना पड़ेगा, हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर मनुस्मृति वापिस से लानी है या संविधान की पुनर्स्थापना करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, ये डिसाइड करने का ये दिन है। ये ऐसे दिन हमारे सामने आ गए हैं। ये आने वाली जो इलेक्शन है 2024 का, एक बात ध्यान में रखिए, मैं सबको बोलता हूँ कि ये 2024 के इलेक्शन के अंदर अगर ये मनुस्मृति का रक्षण करने वाले अगर आ गए वापिस से, तो ये भी भूल जाइए कि इसके आगे का कभी इलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा इलेक्शन इसके बाद में। ये जो आगे का धोखा, ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आज के घड़ी में अगर हमको सोचना है कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी यानी लोकशाही रखनी है या हुकुमशाही लानी है, ये भी सोचने का ये आज का दिन है। पहली बात समझिए, भयंकर दिन आगे वाले आने वाले हैं। और उसके बाद में कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब जिस तरीके से आप सारे लोग शामिल हुए रैली में, किसी को न्योते नहीं दिए पर्सनल, लेकिन लोगों को जब दिखा कि ये आप जरूरी हो गया रास्ते पे उतरना, और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर ये धर्म संस्थाओं का हर एक को अपना अपना धर्म प्यारा है, उसके बारे में कोई दो राय रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोगों के ऊपर ये धर्म थोपा जा रहा है, ये मनुस्मृति थोपे जा रही है, ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। जिस तरीके से राष्ट्रपति का अपमान करके, यानी जब संसद का उद्घाटन हुआ तब भी राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया, और अभी इसके बाद में, इसके पहले अभी जो 22 तारीख को हुआ, उसके अंदर भी हमारे सारे संवैधानिक लोगों को पीछे रखा गया, एक धार्मिक कार्यक्रम को एक राजकीय कार्यक्रम में बदला गया, इसका मैं निषेध करता हूं। तो दोस्तों, मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें अगर गुलामी में फिर से ना जिए, तो जरूरत है कि आज जैसी एकता बताई है, जिस तरीके से फिरदौस भाई ने बोला है, वो तो संविधान के पूरे जानकार है, पूरे मास्टर है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर ये सारी, देखिए प्रगति का लक्षण क्या होता है, प्रगति का लक्षण ये नहीं है कि कोर्ट पे कोर्ट बढ़ रहे हैं, मुकदमे पे मुकदमे चल रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रही है। जिस तरीके से ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय से नीचे के न्यायालय तक के ये सारे के सारे इन लोगों ने मौकरी बना के रखी है, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर एक आदमी बोलता है रात को 12 बजे के आज से नोटबंदी, और उसके बाद में जिस तरीके से ये कोरोना का एक नाटक बना के लोगों को वैक्सीन दिया जोर जबरदस्ती, जो तो अच्छा, मैं धन्यवाद दूंगा प्रशांत भूषण साहब का कुछ, जिसके कारण हमारा वैक्सीनेशन रुका, और मैं धन्यवाद दूंगा मुंबई हाईकोर्ट का भी जिन्होंने ये मास्क मैंडेट वगैरह रोका। आप सब हाथ देखना आप आजू बाजू में कि ये वैक्सीन लेने के बाद में कितने लोगों को क्या क्या बीमारियां हो रही है। ये सारे की सारे सरकारें जो है ये माफिया के, ये जो ड्रग माफिया, इनके हाथ में बिकी हुई सरकारें हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी जो है हमें गालियां ना दे, हमारे मुंह पर कालिक ना फोकते, तो जरूरी है कि इतनी ही जागरूकता से काम करें जिस तरीके से आप बताए हैं। सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने जागरूकता से इतनी लंबी चौड़ी रैली में, और धन्यवाद देता हूँ कि जिन लोगों ने ये रैली का आयोजन किया, सब लोगों ने नाम लिया, तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा क्योंकि इतने सारे लोगों के इसके अंदर हाथ लगे हैं। तो पुनः से धन्यवाद देता हूँ। अपनी जिंदगी में इतने मशगूल थे
कि हमने आज अपना समय निकाला और इस तपती हुई धूप में अपनी गाड़ी बाइक से पूरे नागपुर शहर से एक परिक्रमा करके हम यहाँ इस चौक पर पहुँचे हैं जो नागपुर का हृदय स्थल है। और इस हृदय स्थल से ये हमारी भीड़, ये हमारा जनसमूह ये ऐलान के साथ ये कहना चाहता है कि इस संविधान को और इस देश की आन बान शान एकता बंधुता समानता को जब भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, उस समय चाहे प्रशासन आए ना आए, चाहे राजनीतिक दल खड़े हो ना हो, इस देश का आम आदमी अपने दिल की आवाज के साथ खड़ा हो जाएगा। आप सब मुबारकबाद के हामिल हैं कि आप लोग वो बेशकीमती लोग हैं जिनके दिलों में संविधान जिंदा है और देश के प्रति इज्जत जिंदा है। इन्होंने तो लगभग खत्म कर दिया संविधान को, सिर्फ एक पीस बनाकर, किताब बनाकर इन्होंने रखा हुआ है, उसकी रूह इन्होंने खींच ली है। इन्होंने किसी आरोपी पर आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट से फैसला आने से पहले आरोप लगने पर ही बुलडोजर से उसका घर तोड़ दिया। किस संविधान को ये फॉलो कर रहे हैं, ये इनके पास में अनछुपी किताब है। जो संविधान ये हमको दिखाते हैं, जो हमारा संविधान है, उन्होंने सिर्फ इसको शोपीस में रखा हुआ है। इसकी रूह पर ये हत्या कर रहे हैं, इसकी रूह पर ये अटैक कर रहे हैं। जिस संविधान के आधार पर बलात्कारियों को जेल में भेज दिया गया, रेप के आरोप में उनको अंदर कर दिया गया, प्रशासन उसको और किसी एंगल से निकालकर उसको जेल से छुड़ा रहा है और उसका हार पहनाकर उन बलात्कारियों का स्वागत कर रहा है। स्थिति यह आ गई है। इसीलिए अब किसी राजनीतिक दल, अब किसी प्रशासनिक संस्था या अब कोई सरकारी संस्था के एक्शन का वेट हमें नहीं करना है। हमें अब खुद खड़ा होना पड़ेगा और इस संविधान की रूह जो ये खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने संविधान को दोबारा जिंदा करके इनके सीनों पे फिर से गाड़ देना होगा कि राज यहीं से चलेगा, कहीं और से नहीं चलेगा। तो मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूं कि आपने संविधान को पुनर्जीवित करने के लिए इस लड़ाई में अपना सहभाग दिया। मैं समझ सकती हूँ उस चिंता को, जिस चिंता के कारण आम हम सब अब यहाँ पर मौजूद है और पूरे नागपुर शहर में आपने जो रैली निकाल कर जो चिंता का इजहार किया है, ये चिंता यूं ही नहीं हमारे सामने आई है। और आज हम जो सड़क पर उतर पड़े हैं संविधान बचाने की जो लड़ाई है, ये आज हमें क्यों कर यहाँ पर लाई है ये हम सब जानते हैं, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से नई संसद में जो नया संसद भवन बना है, उस संसद में ब्राह्मणवाद का प्रतीक सिंगोल, आप सब ने, हम सभी ने देखा है कि ब्राह्मणवाद का जो प्रतीक है सिंगोल, उसे रखा गया। ये क्या दर्शाता है, जबकि संविधान ये लोकतंत्र का एक मंदिर है, जो सर्वधर्म संभाव की जो बात है, हमारे संविधान ने सर्वसमभाव, सर्वधर्म समभाव, समानता, बंधुता और न्याय की जो बात कही है, और जिस कारण हम आज यहाँ पर मौजूद है, हम अपनी बात कह सकते हैं, हम अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिली है, हम सब आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद नागरिक हैं। फिर क्या वजह थी कि एक पुरातन धर्म जो बहुत हजारों साल पहले की एक प्रतिमा को लाकर वहाँ पर स्थापित कर दिया है, ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर एक हिंदू धर्म का राष्ट्र हो, एक धर्म हो, एक राष्ट्र हो और एक ही केवल चुनाव हो। ये कतई माफ करने वाली बात नहीं है। संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, जो समता बंधुता और सर्वधर्म समभाव की जो बात कही है, उसे हमें कायम रखना है, उसे हमें फिर से जोड़ना है। अगर ये कहीं से टूटता हुआ या उसे कहीं से दरार दिखाई देती है, तो मुझे लगता है उस दरार को हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर उस दरार को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उस दरार को बढ़ने नहीं देंगे। दूसरी बात, क्या ज़रूरत थी कि आने वाले जो इलेक्शन है, 24 के जो इलेक्शन है, जो अभी जो चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही
उससे पहले देश के सबसे बड़े मुखिया, जो जिसे पंत प्रधान कहा जाता है, उन्होंने केवल एक धर्म के नाम पर, जो संविधान के खिलाफ है, संविधान की धारा 51 के खिलाफ है, मैं शायद सही कह रही हूँ, क्योंकि न्याय को जानने वाले यहाँ पर एडवोकेट साहब बैठे हैं, तो मैं अपने आप को सही कहना करना चाहती हूँ कि संविधान की धारा 51 के तहत किसी भी पंत प्रधान को या किसी भी राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि राजनीति के साथ धर्म को जोड़ा जाए। और धर्म को जब जब जोड़ा जाता है राजनीति के साथ, तब तब इस देश में बहुत बहुत टूटन होती है, आपस का भाईचारा टूट जाता है, आपस में नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है, और तमाम तरह की ऐसी बातें यहाँ पर हमारे ऊपर थोप दी जाती है कि आपके खान पान पर, आपके पहनावे पर, आपकी इबादत पर और आपके रहन सहन पर यहाँ पर सवालिया निशान उठाया जाता है। संविधान ये कहीं कतई नहीं चाहता है। संविधान ने हमें समता का अधिकार दिया है, धर्म, चाहे किसी भी धर्म में हमारी आस्था हो, उस धर्म की पाबंदी से हम उस आस्था को हम इजहार कर सकते हैं, उस आस्था को हम अपनी अपने देवी देवता या अल्लाह या खुदा या सभी में हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात कही जा रही है, बार बार कही जा रही है कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित नहीं हो, इकट्ठे नहीं हो, ताकि इकट्ठे होते ही एक मजबूत ताकत बन जाती है। और आज जो आपने सभी ने यहाँ पर जो एक साथ आकर जो संविधान को बचाने का जो एक वायदा किया है, एक संकल्प लिया है, एक प्रण लिया है, मुझे लगता है कि यही इस देश की आवाज़ है, इस आवाम की आवाज़ है, ये जनतंत्र की आवाज़ है। और जनतंत्र जब तक जिंदा है, जब लोगों के दिलों में जब तक संविधान के प्रति, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति, शाहू महाराज और फुले महाराज के प्रति, सबके प्रति, जिजाई और सावित्री माई के प्रति अगर जो आस्था और प्रेम है, उन्होंने दिखाए हुए जो रास्ता है, उस पर जब तक हम चलते रहेंगे, इस देश का कोई भी माई का लाल संविधान की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। अगर किसी ने कोशिश भी की तो हम सब वहां पर मौजूद रहेंगे, और संविधान की किसी भी धारा को या संविधान को अगर ये किसी भी तरह से हिलाने की भी कोशिश करते हैं तो हम वहां पर सदैव मौजूद रहेंगे, एक निगहबान की तरह से हम उसकी रक्षा करेंगे। और यही कहते हुए मैं आप सबको सलाम और जय भीम कहती हूँ। एक झुंड उनके पास है जो द्वेष फैलाता है, जो मस्जिद के सामने जा करके ऐसे नारे लगाता है जहां पर कम्युनल राइट्स हो जाए, चर्च के सामने जा करके झंडा लगाता है, और एक हमारे ये देश के वासी है जो देश के अंदर में भाईचारे का नारा दे रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। यहां हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी है। एक एक का धन्यवाद देता हूं मैं। 22 तारीख हमारे देश के लिए जानबूझ के 26 के पहले रखा हुआ तारीख है। मैसेज देना एक कंट्री को, उस दिन मुझे नहीं लगा कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष भारत में रहता हूं। तंग आया हूं मैं। मुझसे एक भाई कहता है, मेरा ही देशवासी है वो, कि मैं आंख बंद करता हूं तो आज तो मैं राममय हो गया पूरा, मुझे राम ही राम दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? मैंने कहा भाई, बड़े जल्दी तो गिरफ्त में आ गया माहौल के, ये तो एक दिन का पर्व है। मैं जब आंख बंद करता हूं तो मुझे मेरे देश का किसान मरता हुआ दिखता है। मैं जब आंख बंद करता हूं
तो मैं इस देश की महिला का प्रताड़न दिखता है मणिपुर की महिलाओं को, जो उनकी अवस्था की गई वो दर्दनाक सीन दिखता है। एक बच्ची के ऊपर रेप करने के बाद 15 अगस्त के दिन ये सरकार, निर्लज्ज सरकार, उनको छोड़ देती है, स्वागत करती है। मेरे को मेरे देश का बेरोजगार दिखता है, मेरे बच्चे दिखते हैं, वो माँ बाप दिखते हैं जो अपने बच्चे की डबल डबल फीस करके पढ़ा रहे हैं, शिक्षा का बुरा हाल दिखता है। जो शिक्षा हर एक भारतीय को मिलना चाहिए वो डबल पैसे, स्कूल की फीस भी भरो, क्लास की फीस भी भरो, तब जाके आपका बच्चा नीट पास होगा, जेई पास होगा। मुझे शिक्षा के बुरे हाल दिखते हैं। मुझे इस जीवन के अंदर में जो हमारे भारतीय हैं उनका संघर्षमय जीवन दिखता है। नोटबंदी कर दी आपने, जेब खाली कर दिए, महिलाओं के घर में जो बचत थी पैसे की वो खा गए, जीएसटी खा गए। आज भी 35 रुपए का पेट्रोल जो आप 120 रुपए में बेच रहे हो, 110 रुपए में बेच रहे हो, उसकी तकलीफ दिखती है मेरे को आंख बंद करने के बाद। इतना सब दिखता, राम नहीं दिखता। ये भारत का दर्द है। और आज 75 साल होने के बाद हम लोग अगर ये दर्द हमारे भारतीयों का दूर नहीं कर पाए हैं, महिलाओं को उनकी इज्जत नहीं दे पाए हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए हैं, एक घर में बुजुर्ग बीमार पड़ जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, उसको घर गिरवी रख के अपना ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऐसा देश हमने खड़ा कर दिया है। नहीं चाहिए ऐसा देश। हमको देश चाहिए जहां पर सबको सब पूरे अधिकार मिले। जो ये प्रास्ताविका में एक एक शब्द लिखा है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, हर चीज जो इस प्रास्ताविका में लिखी हुई है, मुझे वैसा देश चाहिए। मुझे वो दिखता है आंख बंद करके, मेरे को और कुछ नहीं दिखता। तो आइए, ये एक शुरुआत की है। मैं इन सब का धन्यवाद देता हूं क्योंकि इन्होंने फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सारी लोगों को यहाँ जमा किया और जमा करके हमारे को आज के दिन के अंदर में हमारी अपनी एक शुरुआत है। हमें ऐसा ही जुड़े रहना है, हमें ऐसे ही काम करने हैं, हमें ऐसे ही अपने को समाज के अंदर में मैसेज देना। मेरी जितनी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं ग्रीन कलर पहन के, मैं सलाम करता हूँ उनको। आज हमारे साथ में जो लोग खड़े हैं, जमात इस्लामी हिंद वाले हो चाहे इस देश के वासी हो, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो लोगों ने आज हमारे साथ जुड़े और ऐसा ही जुड़े रहना है। ये कारवा बंद नहीं होगा, ये कारवा चलते रहेगा और इसका चलना जरूरी है क्योंकि देश अब हमको अपने हाथों में लेना है, सिविल सोसाइटी को हाथों में लेना है। बहुत हो गया ये राजनीति, अब हम पढ़े लिखे लोग इस देश को चलाएंगे। बुद्धिजीवी लोग चाहिए हमको, लड़वाइया चाहिए जो संविधान की इज्जत करे। हमको वो लोग नहीं चाहिए जो संविधान की अवहेलना करे, इंसान की अवहेलना करे, घर घर में झगड़े लगाए। नहीं चाहिए ऐसे लोग हमारे को।